में क्रिकेट के प्रेमियों में आईपीएल का खुमार दिखाई दे रहा है। इसी खुमार में आईपीएल में सट्टा लगाने के सट्टा बाजार भी गरमाया हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार क्राइम ब्रांच को गुप्त जानकारी मिली थी कि कपिल नगर थाना अंतर्गत आने वाले गुरु तेग बाग सिंह नगर में आईपीएल सट्टा लगाने का काम चल रहा है। इसी जानकारी पर पुलिस ने आरोपी अमनदीप सिंह धनदाल के यहां रेड मारी। यहां आरोपी सुरेंद्र सूर्यवंशी सट्टा लगाने का काम कर रहा था। सुरेंद्र इस काम में मध्यस्थी का काम करता था। वो ग्राहक जुड़ाकर अमनदीप को देता था। अमनदीप इसमें फाइनेंस का काम करता था। पुलिस ने इस कार्रवाई में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से दो मोबाइल, एक लैपटॉप, एक पेन ड्राइव और 5,000 रुपए कैश, ऐसा कुल 81,000 का माल जब्त किया है। हाँ, हमारे गुप्त जो बातमीदार है उन्होंने बातमी दिया था कि कपिल नगर पुलिस थाना हद में गुरु तेग बहादुर नगर है, तो वहाँ पे ये क्रिकेट के जो आईपीएल के मैचेस चल रहे हैं उसके ऊपर सट्टा पट्टी के गेम चल रहा है। तो हमारे एपीआई मुलानी साहब और उनकी टीम साथ में लेके गया मैं। तो ये जो आरोपी नंबर एक है अमनदीप सिंह हरजीत सिंह, तो इसके घर पे ये चल रहा था। उसका एक जोड़ीदार है सुरेंद्र शंकर सूर्यवंशी, ये जो खेलने वाले लोग हैं उनसे ये लेता है और आगे ये अमनदीप के पास फॉरवर्ड करता है। तो हमारी कल रेड सक्सेस हुई। तो जब तो मुद्दे माल में है कि दो मोबाइल है, एक लेनोवा कंपनी का लैपटॉप है और एक पेन ड्राइव है सैंडवास कंपनी का, और ऐसा मुद्दे माल है और रोक रकम है 5,000 रुपये, ऐसा टोटल 81,000 81,000 का माल है। तो आरोपी को पूछताछ किया तो ये जो आरोपी नंबर दो है ये मतलब कस्टमर लोगों से लेने का काम करता है और अमनदीप फाइनेंसर जैसा काम करता है। तो अभी छानबीन चल रही है, आगे देखते हैं क्या क्या निकल के आता है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़ नागपुर।